हाँ जी, तो क्या हाल चाल है? वापस आ गए। चलो तो आज बात करने वाले हैं हम कल रात के एपिसोड के बारे में। तो जैसे कि आप सबने कल रात एपिसोड देख लिया होगा, आज का एपिसोड था हमारा दिग्विजय वर्सेस चुगली गैंग, या तुम कह सकते हो दिग्विजय वर्सेस अविनाश एंड विवियन, क्योंकि अब पूरे चुगली गैंग में सिर्फ अविनाश और विवियन ही नजर आ रहे हैं। एज यूजुअल एलिस तो कुछ करती नहीं है। अब उसे लगा कि शायद वो दिग्विजय को दबा लेगी, पर ऐसा नहीं हुआ भाई। दिग्विजय ने खूब बढ़िया बैंड बजा दी। और एपिसोड का जो सबसे बड़ा और सबसे मेजर हाईलाइट था वो था करणवीर मेहरा। भाई उस बंदे ने क्या ऐसा पर्सनैलिटी स्विच करी है, अच्छा पागल तो हो गया, मतलब पागल तो नहीं भाई, जो भी है बैंड बढ़िया बजा दिया भाई। लेकिन उन लोगों ने, पर इस वक्त जो घर में साफ साफ दिख रहा है वो ये दिख रहा है, इस वक्त जो घर में बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है वो दिख रहा है दिग्विजय और करणवीर मेहरा, साथ में विवियन एंड अविनाश। तो अगर मैं वर्सेस यहाँ पे लगाना चाहूँ तो वर्सेस में होंगे हमारे दिग्विजय और करणवीर मेहरा वर्सेस विवियन और अविनाश। तो एपिसोड काफ़ी खतरनाक था। शुरुआत होती है वही खाना ना बनाने से लेकर, ठीक है। तो दिग्विजय ने एक बड़ा ही अतरंगी सा रिप्रेशन का तरीका निकाला। देखो मतलब यहाँ पे भी विवियन डी सेना ने दिग्विजय की कॉपी ही कर ली, कि उसने टाइम गॉड को मना कर दिया था ना दिग्विजय ने, तो ऐसे भी है विवियन ने भी मना कर दिया। अब जब विवियन मना करे तो साथ में उसके चेल चपाटे जो हैं बग्गा जी और अविनाश, वो भी साथ में चेल चपाटे वाली अंत तो दिखाएंगे, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन भाई दिग्विजय ने क्या तोड़ निकाला, उसने उन्हें खाना देने से ही मना कर दिया। अब ये अकेले दिग्विजय का गेल था या करणवीर मेहरा उसमें मिला हुआ था, ये एपिसोड में नहीं दिखाया हुआ, उनका नंकारा अलग कर दिया। खैर उनके मुंह पे जो किलस थी, जो खुन्नस थी, वो पूरे एपिसोड में धीरे 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 दिखती चली गई। शुरू में उन्होंने ऐसे दिखाया कि फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर भाई जब खाना नहीं मिल रहा था और खुद बनाने के खाना पड़ रहा था, उनकी बहुत ऐसी तैसी बहुत ज़्यादा। और दिग्विजय और भाई करणवीर मेहरा की टीम अब जो है बड़ा कैड़ा हो चुका है। एक बात जहाँ पर मुझे दिग्विजय बहुत बुरा लगा कि भाई रजत दलाल ने इतनी सारी मेहनत करी, जाट भाई बोल के उसको अपना पूरा सपोर्ट दिया, टाइम कोड बनाया, पावर दी, उस बंदे ने यार उसी के साथ धोखा कर दिया। मतलब ठीक है चलो दोनों अलग अलग है, दोनों अपना अपना गेम खेल रहे हैं, पर भाई कहीं ना कहीं दिग्विजय ने यहाँ पर काफ़ी अजीब सी हरकत करी है, तो जस्टिफाइड नहीं लगा। रजत दलाल के साथ काफ़ी बुरा हुआ, तो एनीवेज रजत दलाल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदा है, वो कहीं ना कहीं बैकअप कर लेगा अपने आप को। आज के भी दिखाया दिग्विजय के खिलाफ कुछ था नहीं प्रोमो में, ठीक है, सिर्फ उसके बाहर का जो रिलेशनशिप है उसको हाईलाइट करा गया है। बाकी जो रजत दलाल वाली धमकी कम पॉइंट मैंने उठाया था कि करणवीर मेहरा ने धमकी दी है रजत दलाल को, तो सलमान खान ने करणवीर मेहरा को तो ज़्यादा कुछ नहीं कहा, पर प्रोमो में ऐसा दिखाया कि रजत दलाल को सलमान खान ने अब समझाया है या जो भी कहा है, मेरे ख्याल से तो शायद वो जब हम एपिसोड देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा कि समझाया है। पर खास बात यही थी भाई, काफ़ी मज़ा आया एपिसोड देखकर, मज़ा सा आ गया। और आज का वीकेंड के बाद देखना ही है कैसे सलमान खान कैसे सब कैसे करेगा। अविनाश का भी गेम की पोल खोल दी है, कुछ कुछ अपडेट्स मेरे को निकल के आ रहे हैं, सुनने में मिल रहे हैं कि एलिस फाइनली इविक्ट हो चुकी है, काफ़ी अच्छा लगा भाई। और इसी के साथ साथ बताया गया कि एपिसोड में ये भी डिस्कस होगा, मतलब कुछ शिल्पा जी को एक्सपोज किया गया है, ठीक है, तो वो हम देखेंगे पता चलेगा। और इसके अलावा भाई अभी तक तुम लोग बिग बॉस देख रहे हो तो तुम मुझे कमेंट में बताओ कि तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो, विवियन को या अविनाश को, क्योंकि अब दोनों का इंडिविजुअल गेम होने वाला है, तो अब तुम किसकी साइड लोगे, विवियन डी सेना की या फिर अविनाश की। और बाकी के जो दो कंपेटिटर्स हैं दिग्विजय और करणवीर, उसमें तुम किसकी साइड हो, करणवीर की और या फिर दिग्विजय राठी की, ठीक है। और भाई रजत दलाल अब उसको भी अपना गेम अप करना पड़ेगा। बाकी इन पांचों के अलावा घर में कोई दिख ही नहीं रहा, बाकी सब हैंडल पैंडल ढूंढे फूंढे इधर उधर घूम रहे हैं इनसे चिपके चिपके। और ऐसी बात है ईशा का कोई पॉइंट लॉजिकल नहीं लगता, ईशा ने सिर्फ बस अपने हर जगह अलग अलग तरह के ऑस्पेक्ट डालती है और कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो देखेंगे कैसा होगा ये दिग्विजय वर्सेस विवियन का, काफ़ी अच्छा चल रहा है, कह सकते हो कि दिग्विजय ने ऑलमोस्ट नाक में दम कर रखा है विवियन का, वो हंसते हंसते ले रहा है पर उसके मुंह पे भी कहीं ना कहीं खुन्नस टाइम टाइम दिखती है, ठीक है। अविनाश को तो इन्होंने पहले झंड कर दिया, दिग्विजय से वो ऑलरेडी पिट चुका है, दिग्विजय ने उसमें दो घूसे रख दिए थे, उसके गाल लाल थे, बढ़िया दिख रहा था। याद है ना वाला एपिसोड जब दिग्विजय को उसने धक्का दिया था और दिग्विजय ने उठते उसमें चांटे लगा दिए थे, ठीक है। ऑब्वियस रीजंस की वजह से वो दिखाया नहीं गया, पर अविनाश तो पिट के साइड हो चुका है इसलिए वो बहस करता ही नहीं है, अब बस वो चुगली करता रहता है लड़कियों की तरह, मतलब लिटरल जो लड़कियों वाले काम होते हैं उस घर में जो लड़कियां करती हैं, ठीक है, वही कर रहा है अविनाश भी, तो कुछ ऐसे मर्दों वाली बात उसने रही नहीं। अब तुम किसकी साइड हो, है ना, जो हमें दिख रहा है हमने तुम्हें बताया, तुम बताओ तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो, तुम्हारे क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, ज़रा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना।